देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व ने अपना हपा खो दिया है। मैं मीडिया के मित्रों के साथ कहना चाहता हूँ, आप भी भुक्तिभोगी हैं। मीडिया के लोगों के साथ भी किस प्रकार से वो बदतमीजी करते हैं, किस प्रकार से अवहेलना करते हैं। मैं बड़ी उम्र होने का या उनके इतने समय तक काम करने का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार और स्वभाव आज कांग्रेस की लीडरशिप पर बनाया, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों या कमलनाथ जी हों, जिस प्रकार से वो भाषा बोल रहे हैं, कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, कर्मचारियों पर गुंडिज्म कर रहे हैं, अब उनको लग गया कि इस मध्य प्रदेश के अंदर तो लाडली बहना चल गई और लाडली बहना ने झंडा ले लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारा झूठ, छल, कपट, ये सारी चीज़ें तो दिख रही हैं। अब ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेंगी। मोदी जी के नेतृत्व के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही मध्य प्रदेश के अंदर खड़े हो गए। हमारा जीवन बदला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसमें अल्पसंख्यक भाई और बहन भी हैं। तो ये इसी प्रकार से कर्मचारियों को धमकाना, ये इनकी गुंडागर्दी की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो कांग्रेस के मूल चरित्र में रहा है। धनबल, बाहुबल, गुंडिज्म का उपयोग करना, ये आज से नहीं, ये तो हमेशा से करते रहे। मैं कहना नहीं चाहता कि इनके स्वरूप क्या थे, जिन नेताओं के मैं नाम ले रहा हूं, इनके स्वरूप क्या थे, ये मध्य प्रदेश ने इनकी युवावस्था भी देखी है। ये कहां थे, इमरजेंसी लगाने वाले लोगों के साथ इनकी भूमिका क्या थी, ये सब लोग जानते हैं। तो कर्मचारी मध्य प्रदेश का हमारा भाई है। मैं कर्मचारियों को आश्वस्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप चिंता मत करिए, ऐसे धमकियां और इस प्रकार के गुंडिज्म से आपके साथ हम खड़े हैं, इनको ठीक से जवाब देने का काम करेंगे। कोई कर्मचारी इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये केवल प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने का काम कांग्रेस की लीडरशिप, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, ये करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ, उनके मान सम्मान, उनके अधिकार के लिए खड़ी है। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग बंदर घुड़की देते रहते हैं, बंदर घुड़की देते रहे, कोई चिंता नहीं है।